13 साल के होनहार पंजाबी कलाकार और नेशनल अवार्ड जीत चुके समीप रनौत, जो कि पंजाबी फिल्म में अपनी कलाकारी का लोहा मनवा चुके हैं, और इस बार दशहरे को लेकर इन्होंने अपनी दोस्तों के साथ सोचा कि क्यों ना रावण बनाया जाए। चार पांच फुट का नहीं बल्कि 13 फुट का रावण कोरोना के बनाया गया। कोरोना के चलते जहां कई जगहों पर इस बार दशहरे में रावण का पुतला समय पर तैयार ना होने के चलते रावण दहन की प्रक्रिया को रोका जा रहा है, तो वहीं इन छोटे छोटे बच्चों ने एक कमाल का काम कर दिया है। सत श्री अकाल जी, मेरा नाम है समीप सिंह रनौत, ते मैं, मेरी एज है 13 साल, ते मैं 8वीं क्लास में पढ़ता। अभी तक आपने कितनी फिल्में कर ली हैं? अभी तक मैंने टोटल 14 मूवीज कर ली है। और आपको अवार्ड भी मिला? हाँ जी, मुझे बेस्ट चाइल्ड एक्टर नेशनल अवार्ड मिला है। तो आप फिल्मों से हटकर ये रावण बनाने की कैसे? ये तो एक हमारा शौक है, मतलब फिल्मी लाइन तो अभी जारी रखी है, वैसे हमारा मतलब जैसे एक टैलेंट है उसको मतलब कर रहे हैं, बाहर निकाल रहे हैं शौक। कितने लोगों की टीम है जो आपके साथ ये रावण बना रही है? हमारे साथ 3 लोगों की और टीम है, जैसे मेरा भाई है संचित रनौत और हरमन और हैरी। और ये जो सारा खर्च हो रहा है ये कौन उठा रहा है? इसका सारे खर्च वैसे मिलकर उठा रहे हैं, वैसे हमारे जो फाउंडर है लाला जी रोहित भैया, उनकी तरफ से काफ़ी हमें पैसों की भी, और जैसे शीट्स वगैरह चाहिए हमें, फेविकोल वगैरह चाहिए, वो सब मतलब हमें भैया ला के देते हैं। कितने फुट लंबा है ये रावण और अभी तक कितना खर्चा आ गया? ये 18 फीट लंबा रावण है और अभी तक इस पे 5-6 हजार का खर्चा आ चुका है। और इसको दहन कहाँ करोगे आप? इसका दहन होगा OCF ग्राउंड, ये 29 सेक्टर में। चंडीगढ़ से रवि यादव की रिपोर्ट।